मैं बाप बन गया। दोस्तों लोग ये सोचते हैं कि बच्चा पैदा करने से बाप बनता है, गलत बात। जिस दिन आपने अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली उस दिन आप बाप बन जाते हो। और मैं 15-16 साल की उम्र में जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, वो बेड रेस्ट पे आ गए, तब मैं 16 साल की उम्र में बाप बन गया और मुझे समझ में आ गया कि बेटा पैसा तुझे कमाना है जिंदगी में, तुझे तेरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। और कैसे बाप सोच सकता था, कैसे बाप काम करता था, सारी चीजें समझ में आने लगी। और दोस्तों उस दिन के बाद में ऐसा एक एक रुपए के लिए क्या कितनी मेहनत की जा सकती है ना, वो मुझसे पूछो। किसी ने बोला पानी पूरी बेचने में फायदा, 200 रुपया मिल जाएगा, मैं पानी पूरी बेचने लगा। किसी ने बोला ये काम न्यूज़पेपर डालने लग जा, मैं वो करने लगा। ये सारे काम करने लगा सिर्फ इसलिए कि कैसे भी करके मेरे घर वालों का, मेरे मतलब परिवार का खर्चा चलने लगे। और दोस्तों एक बहुत कड़वी और एक मुद्दे की बात बताता हूं। अगर आपकी जेब में पैसा है ना तो लोग पूछते हैं कैसा है, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है ना तो कोई रिश्तेदार भी पूछने नहीं आता। दोस्त जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था ना तब एक रिश्तेदार खबर लेने नहीं आया, वो इसलिए खबर लेने नहीं आया मेरे दोस्त क्योंकि उसको पता था कि अगर जाएंगे तो जेब में से जाके 500 रुपया भी जेब में से निकाल के देना पड़ेगा, राइट है। मुझे आज भी याद है पापा का इलाज कराने के लिए हमारे यहाँ पे श्रॉप, आप समझते भरवाड़ हमारे यहाँ श्रॉप होते हैं, 15% इंटरेस्ट मंथली, 20% इंटरेस्ट मंथली पे पैसा देते हैं। मुझे आज भी याद है 1,00,000 रुपया, 50,000 से 1,00,000 रुपया मैं पापा का इलाज कराने के लिए 15% इंटरेस्ट पर लेकर आया था। 15% इंटरेस्ट मतलब अगर आप 1,00,000 रुपया ब्याज पे ले रहे हो ना, राइट, तो 15,000 रुपया महीने का ब्याज भरना पड़ेगा। कमाता था 4,000-5,000 रुपया, ब्याज आता था 15,000-15,000 रुपया। दोस्त मुझसे पूछो कि कैसी जिंदगी गुजरी, कैसी जिंदगी गुजरी। वो दिन हमारे गुजराती में कहावत है, जेनी आंगड़ी कापे ने, जेनी आंगड़ी मां वागे ने, इन्हें दुखा होता है। जिसकी उंगली में चोट लगती है ना उसे पता चलता है दर्द कैसा होता है। आज लोग कंप्लेन करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, लोग बात करते हैं अरे सर ये है वो नहीं सुन रहा, फलाना नहीं कर रहा, मेरी तो ये है मेरा तो वो है, हजारों लाखों बहाने बनाते हैं। सर जब होप नहीं थी ना लाइफ में, जब पता नहीं था किस दिशा में जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट है, तब भी हिम्मत नहीं हारी, तब भी हिम्मत नहीं हारी, उठा, राइट, उठा और काम करना शुरू किया, उठा और काम करना शुरू किया। एक दिन मेरे घर को जा रहा था मैं, मेरा एक दोस्त मुझे मिला, बोला विजय क्या करता है तू। मैंने कहा यार मैंने उसको मतलब आप समझो कि कोई आपकी कहानी पूछे, राइट, तो आपको बताने में इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा। मेरे को उसने पूछा कि विजय क्या करता है, मैंने कहा यार पूछो मत, सुबह इतने बजे उठता हूँ, ये पेपर डालने जाता हूँ, यहाँ से आता हूँ, निर्मा कंपनी में जॉब जाता हूँ, शाम को आके पानी पूरी की लारी लगा लेता हूँ, ये सारे काम करता हूँ। तो बोले यार तुझे पैसा कमाना है, अब मुझे आप बताओ कि कोई आदमी अगर आपसे पूछे कि भूखे को अगर ये पूछा जाए कि तुझे खाना खाना है तो वो क्या बोलेगा, नहीं खाना। भूखे से आप पूछोगे कि खाना खाना है तो वो क्या बोलेगा, नहीं खाना। उसने बोला पैसा कमाना है, मैंने कहा हाँ कमाना है। तो बोला चल तेरे को एक जबरदस्त रास्ता बताता हूँ। अब मरता क्या ना करता, जब आदमी के पास कोई रास्ता नहीं होना, क्योंकि भरवाड़ मारने के लिए ढूंढते थे, जिन श्रॉप से पैसा ले रखा था वो घर पे आके धमकी देते थे। सर आप यकीन मानिए 16 साल की उम्र में 1,00,000-2,00,000 का कर्जा हुआ, वो बढ़ते बढ़ते ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज लगते लगते 20-21-22 साल की उम्र आते आते जितनी मेरी उम्र थी ना उतना कर्जा हो चुका था। 20-21 साल की उम्र में 20-21 लाख रुपए के कर्जे में था, क्योंकि ब्याज कभी टाइम पे भरता नहीं था। तो ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का 5 सालों में ब्याज का ब्याज, और ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि या तो सुसाइड कर लो, या तो सुसाइड कर लो, या तो सारे घर वालों को जहर दे दो, ये सिचुएशन आई थी। मरता क्या ना करता, मेरे दोस्त ने बोला एक रास्ता है चल तेरे को बताता हूँ। बराबर मैं उसकी बाइक पे बैठा और चला गया उसके साथ में। वो एक सेमिनार में लेकर गया मेरे को, और वहां पे सेमिनार में बैठने की जगह नहीं थी, मैं पीछे खड़ा था, राइट है, और स्टेज पे बड़े बड़े लोग आ रहे थे, बड़े बड़े लीडर आ रहे थे। मैं जिंदगी में पहली बार ऐसे किसी सेमिनार में पहुंचा, वहां पे सारे लोग लाखों की बातें कर रहे थे, तुम लाखों कमाओगे, तुम करोड़ों कमाओगे, ये है मर्सिडीज ले आएंगे, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। और आप यकीन मानिए मैं पीछे खड़ा खड़ा हंस रहा था, बरा मुझे इतना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया की कौन सी जगह पे आ गया हूँ। यहाँ साला सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करता हूँ, 4,000-5,000 नहीं कमा पाता, 6,000 रुपए नहीं कमा पाता ढंग से, राइट है, और ये आदमी बोल रहा है 4 घंटे काम करके लाखों कमाएगा, जरूर ये आदमी बेवकूफ बना रहा है। और मैं पीछे खड़ा खड़ा हंस रहा था, और मेरे दिमाग में उस दिन एक ही बात चल रही थी, और वो बात ये थी कि कब ये सेमिनार खत्म हो और कब मैं निकलूं। थोड़ी देर बाद सेमिनार खत्म हुआ, हम लोग निकले, मेरे दोस्त ने पूछा कैसा लगा, मैंने कहा जबरदस्त।
बोले करेंगे, मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा देख भैया, यहाँ तो लाखों कमाने की बात है, मेरे को तो तू 2-4 10 हजार रुपए कमाने की बात हो तो कर, लाखों अपने को नहीं कमाने। मेरे दोस्त ने मुझसे बहुत आर्ग्यूमेंट किया कि तू लाखों कमा लेगा, तू लाखों कमा लेगा, तू लाखों कमा लेगा। मैंने कहा मेरे को लाखों चाहिए नहीं, तू 2-4 हजार कमाने की बात कर। एक भिखारी की, मैं आपको बताता हूँ एक बात, एक भिखारी कि 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। सारे भिखारी इकट्ठा हो गए कि यार अब तो तू करोड़पति हो गया, अब तो तू ये पैसे का क्या करेगा। तो बोले मैं इस पैसे से एक बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। तो सारे भिखारी ने बोला यार हम तो तुझे लुक्खा समझते थे, भिखारी समझते थे, तू तो धर्मात्मा निकला, तू मंदिर बनवाएगा इस पैसों से। बोले हाँ, मैं इसे 1 करोड़ से मंदिर बनवाऊंगा और उस मंदिर के आगे मैं अकेला भीख मांगूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा। उस जगह पे मैं अकेला भीख मांगूंगा, किसको आने नहीं दूंगा। और यही हालत थी मेरी, और यही हालत थी मेरी मेरी मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, मैंने सेमिनार देखा, मैंने उन लोगों को स्पीच देते हुए देखा, पर जिस परिवार से मैं आता हूँ उस परिवार से जो मेंटेलिटी मेरे पास थी, उस मेंटेलिटी के लिए, वो मेंटेलिटी इतनी छोटी थी राइट है, कि उस मेंटेलिटी में लाखों रुपए कभी सेट। और आप यकीन मानिए सर, ये हकीकत है, जो आदमी 10,000, 20,000 और 25,000 रुपए के लिए सर्वाइव कर रहा हो, पूरी जिंदगी जिस आदमी ने 25-30 हजार रुपए की नौकरी पाने के लिए एजुकेशन लिया हो राइट, और वो 25-30 हजार रुपए की नौकरी पाने के लिए उसने 25 साल पढ़ाई कर ली, और अचानक से कोई आदमी आके बोलता है कि तुम 4 घंटे काम करके 8 घंटे काम करके बराबर जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो, बड़ा पैसा कमा सकते हो, बड़ी गाड़ी ले सकते हो राइट है। तो हम उस समाज में रहते हैं जहां ये हमें असंभव लगता है, हमारी मेंटेलिटी ये बनाई जाती है कि नहीं भैया तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा काम नहीं है, अगर तुम बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो ये बड़े 2 नंबर के काम से ही बड़ा पैसा आता है, ये बड़े बड़े लोग अच्छा काम नहीं करते। और यही हमें सिखाया जाता, और यही मुझे सिखाया गया था। मेरे दोस्त ने बोला कि तू लाखों कमा लेगा, मैंने कहा नहीं चाहिए लाखों। बोले तू लाखों कमा लेगा, मैंने कहा तेरे को भरोसा है मेरे को लाख आएगा। बोले हाँ विजय मुझे पूरा भरोसा है। मैंने कहा तेरे को पक्का भरोसा है मेरे को लाख आएगा। बोले हाँ विजय मेरे को पक्का भरोसा है। मैंने कहा अगर मुझे लाख आवे ना तो 97 तू रख लेना, 3,000 मुझे दे देना। मेरी हालत उस भिखारी की तरह थी कि जिसको करोड़ की लॉटरी तो लग गई बराबर है, पर उसने उसकी वैल्यू नहीं समझी। और उस दिन मुझे समझ में आया कि गरीबी और अमीरी मानसिकता है, गरीबी और अमीरी मानसिकता है। आप यहां से गरीब और अमीर होते हो। मैं घर पहुंचा मोटिवेट होकर, मैंने घर पहुंचा, मेरे पापा ने बोला कि क्या हुआ, कहाँ गया था? मैंने कहा पापा एक बहुत बढ़िया जगह पे गया था, वहां पे जो है लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं राइट है, अपने गरीबी के दिन गए। और मेरे पापा ने उस दिन पहली बार मुझे 15 मिनट ध्यान से देखा, 15 मिनट पहली बार मेरे पापा ने मुझे ध्यान से देखा। और मेरे पापा ने मुझे बोला कि क्या हुआ? मैंने कहा पापा एक सेमिनार में गया था, वहां पर जबरदस्त लोग थे, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आए थे और बड़े बड़ी स्पीच दे रहे थे, कोई कोई ये करता था, कोई वो करता था, और सबने अपनी जिंदगी बिजनेस के माध्यम से बदली। और दोस्त उस दिन पहली बार मेरे पापा ने जो मुझे बोला वो मुझे आज भी याद है राइट। मेरे पापा ने बोला कि अपने को ऐसा कोई बड़ा आदमी बनने की जरूरत नहीं है, अपना जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। और मुझे उस दिन मैंने मेरे पापा को बहुत समझाया। और उस दिन मुझे समझ में आ गया कि हाथी को रिक्शे में बिठाना और घर वालों को समझाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। मैंने मेरे पापा से बोला तुम देख तो लो, समझ तो लो एक बार। बोले नहीं, तेरे चाचा के लड़के ने भी किया था, मामा के लड़के ने भी किया था, फलाने ने भी किया था, देखाने ने भी किया था, इसमें कुछ नहीं मिलता, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इसमें इज्जत चली जाती है। मैंने पापा को बोला कि पापा आप तो लगता है इज्जत चली जाती है, मैं बोलता हूँ जो चीज है नहीं उसकी चिंता क्यों करनी। गरीब आदमी को अपनी पूरी जिंदगी में इस बात का भ्रम होता है कि उसकी मार्केट में बहुत इज्जत है, पर एक बात बता दूं सर, माफ करना मुझे, गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं होती। एक गरीब आदमी किसी दोस्त को फोन करके ये बोले ना कि यार 10,000 रुपए भेज, तो दोस्त क्या बोलता है पता है आपको? यार कल मांगे होते तो कल दे देता मैं तुझे, आज ही किसी को दिया। अरे भैया मुझे जरूरत आज पड़ी है, मैं तुझे कल कैसे मांगूंगा? सलाह देने के लिए पूरी दुनिया आती है, पर जब मदद के लिए कंधा बढ़ाना होता है ना तो कोई भी नहीं आता, ना रिश्तेदार ना कोई। और मुझे उस दिन समझ में आया कि जिस रिश्तेदारों के पापा बात कर रहे हैं ना, उसमें से एक भी रिश्तेदार आया नहीं था। मेरे पापा से बहुत आर्गुमेंट चली और आखिर में पापा ने वो अस्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्र, जो इमोशनल हथियार होता है। और मेरे पापा ने बोला कि बेटा मोदी केयर चाहिए तो बाप नहीं,
मतलब अगर आज तू मोदी कर को चुनता है तो मैं तेरा बाप नहीं, और तेरा बाप को चुनना है तो मोदी कर नहीं। और आप यकीन मानिए, उस दिन मुझे समझ में आया कि इंसान को सफलता के लिए सबसे पहले अपने अंदर के द्वंद को जीतना पड़ता है। और इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा, मेरा पैटर्न है ये, कि रणभूमि में जीतने से पहले आपको मन भूमि में जीतना पड़ता है। अगर आप मन भूमि में जीत गए तो आपको कोई माइका लाल रणभूमि में हरा नहीं सकता, और आप मन भूमि में हार गए तो दुनिया का कोई भी आदमी आपको रणभूमि में जिता नहीं सकता। द्वंद चलता है, करूं नहीं करूं, होगा नहीं होगा, फलाने ने भी ढेकाने ने भी, और हमको हजारों एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिन एग्जाम्पल से ये एस्टाब्लिश हो जाए हमारे दिमाग में कि ये धंधा नहीं चल सकता, ये धंधा फालतू लोगों का है, ये धंधा किसी के काम का नहीं है, इस धंधे में इज्जत चली जाती है। और यही मुझे सिखाया गया था, और यकीन मानना मैंने एक सेकंड में निर्णय लिया कि आज इस पापा के सपने को पूरा करने के लिए, परिवार की खुशियों को पूरा करने के लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी की तलाश है, और ये अपॉर्चुनिटी अगर आज मैंने छोड़ दी तो शायद भगवान मुझे ये मौका दोबारा दे ना दे। लगान पिक्चर का एक डायलॉग है सर, कि चिमटे चूल्हे से रोटी निकालने को चिमटे को अपना मुंह जलाना पड़ता है, चूल्हे से रोटी निकालने को चिमटे से बराबर अपना मुंह जलाना पड़ता है। और उस दिन मुझे समझ में आया कि अगर मुझे आज मेरे परिवार को सुखी करना है तो शायद आज मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा, और मैंने उस दिन रात को ये डिसीजन ले लिया। दूसरे दिन सुबह मैं उठा, मेरी मम्मी के पास गया, और मेरी मम्मी से जाकर मैंने कहा कि मम्मी पापा से रात को ऐसा ऐसा हो गया, और पापा ने बोला, मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि तेरा बाप है, गलत थोड़ी बोलेगा। मैंने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे पापा है, मेरा गलत नहीं चाहते, पर वो इस बात को भी समझना नहीं चाहते कि ये बिजनेस के एक बार देख तो लें, एक बार समझ तो लें। फिर उन्होंने नहीं मानी, नहीं मानी, और आखिर में मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे 5 साल दे दे, 5 साल ये मत पूछना कि बेटा तू कब आता है, नहीं आता, तूने खाना खाया नहीं खाया, तू सोया नहीं सोया, 5 साल दे दे मुझे। 5 साल के अंदर अगर मैं अपने आप को साबित नहीं कर सका, सौगंध खा के बोलता हूँ मम्मी पूरी जिंदगी वो करूंगा जो तुम मुझसे कहोगी, बस अब 5 साल दे दे। और दोस्तों मैंने 5 साल मांगे थे मेरी फैमिली से इस बिजनेस में अपने कैरियर को बनाने के लिए। मुझे आज भी समझ में नहीं आता, कुछ लोग 4 दिन में क्विट कर जाते हैं, कुछ लोग 4 महीने में क्विट कर जाते हैं, कुछ लोग 4 दिन 40 दिन के बाद क्विट कर जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता उनको ऐसा क्या समझ में आ जाता है जिससे वो बिजनेस क्विट। अरे यार हमको सब समझ में आता। अरे भैया समझ में आता ना तो तुझे पैसा आ गया होता, तुझे समझ में ही नहीं आ रहा, यही सबसे बड़ी विडंबना है। और मैं मेरे अपलाइन के पास गया, और मैंने मेरे अपलाइन उस समय जो मेरे स्पॉन्सर थे, मैंने उनको जाके बोला कि मैंने कहा देखो मैंने पूरे घर वालों से बोल दिया है मैं 5 साल देने को तैयार हूँ, पर मुझे एक बात समझाओ, क्या मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ पाऊंगा, क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे। अपलाइन क्या कहता है, हाँ मैं सपोर्ट करूंगा। मेरे अपलाइन ने भी मुझसे ये कहा कि विजय मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। मैंने कहा सर अगर आप सपोर्ट करने के लिए तैयार हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अपलाइन पे भरोसा करते हैं ना आप, अपलाइन पे भरोसा करते हैं। मैंने भी अपने अपलाइन पे भरोसा किया, और मैंने उन्होंने बोला कि तो कर लेगा, मैंने कहा कर लूंगा कर लूंगा। उन्होंने बोला सपोर्ट करूंगा, मैं कहा ठीक है। 2-4 दिन उनके साथ रहा, वो क्या करता है क्या नहीं कर रहा है वो देखा। उसके बाद में मैं उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम तुम्हारा काम सेट करो, तो मैंने मेरी जहाँ पे मैं न्यूज पेपर डालने जाता था वहां पे मैंने एक लेडीज को बोला कि मैम अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो मैंने एक नया काम शुरू किया है, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आता हूँ तो मेरे को आपको बताने हैं। तो बोले ठीक है कल शाम को 4 बजे आ जाना। मैंने मेरे अपलाइन को बोला कि कल शाम को 4 बजे अपने को डेमो देखने डेमो देने चलना है। तो बोले ठीक है तू चल रहे तू, मैं कल शाम को तो 4 बजे बाहर हूँ। तो मैंने कहा सर एक काम कीजिए ना, मैं कुछ करिए ना मेरे लिए प्लीज। तो बोले ठीक है काम करो विजय डेमो किट लेके पहुंच जाना। मैंने कहा डेमो किट ये क्या होता है। तो बोले वो मैं जिस मेरे पास जो बैग होता है ना जिसके अंदर मैं वो सारा डेमो बताता हूँ। मैंने कहा तो बोले वो तो मैंने बनाई नहीं। तो बोले कोई बात नहीं तू मेरी डेमो किट लेके पहुंच जाना 4 बजे, मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा। मैं कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनकी डेमो किट लेकर पहुंच गया, 10-12 लेडीज बैठी हुई थी और मैं वहां पे वेट कर रहा हूँ मेरे अपलाइन का। मैंने फोन किया सर कहाँ रह गए। बोले विजय मेरे को 15-20 मिनट लगेगी। मैं कहा ठीक है सर आप आइए मैंने सब रेडी कर रखा है। 10-15 मिनट बाद में मैंने फिर फोन किया, मैंने कहा सर कहाँ रह गए। बोले विजय मेरे को 15-20 मिनट। अब मुझे गुस्सा आने लगा क्योंकि जिस आदमी का समय बराबर कहते हैं कि आपकी बुद्धि ही आपको सफलता तक ले जाती है, राइट है। और जिस परिवार से मैं आता हूं ना, एक बात बताऊं आपको, गरीब आदमी के पास पैसे को छोड़ के ईगो इतना भरा हुआ होता है, इतना होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं, और ये ईगो इतना होता है कि वो उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देता। और मेरे अंदर भी बहुत ईगो था,
कि मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ, इसमें कौन सा तीर मारना है, ये तो इतना ही है। मैंने मेरे अपलाइन को गुस्से में बोला, तुम्हें आना है तो आओ, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, बराबर है, यहाँ 1 घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मेरी अपलाइन ने मुझसे बड़े प्यार से कहा कि देख मुझे और 15-20 मिनट लगेगी, राइट है, मेरे को आने में टाइम लगेगा, अब मरता क्या ना करता। तो मेरी जो मेरे को जिन्होंने डेमो के लिए बुलाया था, उन्होंने बोला कि विजय भाई आपको जैसा आता है ऐसा बता दो ना, राइट है। तो मुझे अब मेरे अपलाइन ने भी जवाब दे दिया, यहाँ से उसके जो 10-12 लेडीज आई हुई थी, अब 2-3 लेडीज बच गई। मैंने मुझे कुछ आता तो था नहीं, पर मैंने कुछ देखा था, तो मैंने ऐसे 2 ग्लास लिए पानी के, एक में लाइजोल डाला, एक में स्टेरिक्लिन, और मैंने कहा देखो बैक्टीरिया मर गए, क्योंकि डॉन को पता है रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है, मुझे डेमो आता है या नहीं आता ये सिर्फ मुझे पता था, उनको नहीं पता था। तो उन्होंने ताली बजाई और 2 स्टेरिक्लिन के ऑर्डर दे दिए। मैं स्टेरिक्लिन का ऑर्डर लेकर नीचे उतरा और मैंने ये कसम खा ली कि ये बेवकूफी बनाते हैं, इन्होंने पापा को भी मेरे मैंने खोटा झगड़ा कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। और मैं जैसे ही बैग लेके अपार्टमेंट से नीचे उतर के थोड़ा सा आगे गया, मेरे को मेरे जो अपलाइन थे वो मिले एक चाय की लारी पे, दिख गए मेरे को सामने। अब जिस पे आपको गुस्सा आ रहा हो, खुन्नस आ रहा हो, आप क्या करेंगे। मैं गया मेरी अपलाइन के पास और मैंने जाकर बोला ये पकड़ तेरी लंका, जो डेमो किट मेरे पास थी, मैं कह ये पकड़ तेरी लंका, तुम लोग बेवकूफी बनाते हो, ये है वो है फलाना ढेकाना। मैंने बहुत सारी चीजें उनको बोली, बहुत सारा उनको सुनाया, और आखिर में उन्होंने मेरे को एक ही बात पूछी, राइट है, और वो एक बात ये पूछी कि चाय पिएगा। अब मैं हूं बनिया, मैंने कहा चाय इसके साथ वैसे भी काम तो करना नहीं है, चाय पी लो। तो उसने मेरे को चाय का ग्लास उन्होंने दिया, चाय का ग्लास दिया, और उन्होंने जो दूसरा सवाल पूछा उस दूसरे सवाल ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। उन्होंने मेरे को बोला कि विजय आज अगर मैं आता तो क्या तू डेमो करता। मैंने कहा नहीं करता। बोले मैं इसीलिए नहीं आया, मैं नीचे ही खड़ा था, मैं चाहता था कि आज तू डेमो करे, मैं चाहता था कि तू आज डेमो करे। और उस दिन मुझे समझ में आया कि यार बात तो सही है, मैं न्यूज़पेपर डालने जाता हूँ वहां कोई अप्लाई नहीं है, मैं पानी के पाउच बेचने जाता हूँ वहां कोई अप्लाई नहीं है, मैं पानी पूरी बेचता हूँ वहां कोई अप्लाई नहीं है, मैंने इतनी जगह काम किया वहां कोई अप्लाई नहीं है, तो बिजनेस तो मेरा है, अपलाइन का थोड़ी सीखूंगा मैं। और आप यकीन मानिए वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी भी मेरी अपलाइन को आज तक मेरे ना किसी डेमो के लिए बुलाया, ना कभी किसी प्लान के लिए बुलाया, मैं मेरी अपलाइन के पास जाता हूँ, उनसे सीखता हूँ और अपनी टीम को सिखाता हूँ। मैंने अपनी अपलाइन का यूज नहीं किया, मैंने उसका यूटिलाइज किया। और यही आज ज्यादातर लोग इसी बात से पीड़ित है, वो जैसा व्यवहार अपनी जैसी मेंटेलिटी वो अपने अपलाइन के प्रति रखती हैं, वो जैसा काम अपने अपलाइन के प्रति करते हैं सेम उनको वैसा डुप्लीकेट होता है। और ये बात मुझे उस दिन समझ में आ गई, और आप यकीन मानिए वो दिन है और आज का दिन है, आज तक मैंने मेरी अपलाइन को कभी डेमोन्स्ट्रेशन या प्लान बताने के लिए नहीं बुलाया। और यही कारण है कि आज विजय अग्रवाल आपके सामने बोलने के लायक भी बनाना वो इसीलिए बना क्योंकि मैं घिसा, और वो दिन मैंने डिसीजन लिया कि बिजनेस मेरे को करना है, पैसा मेरे को कमाना है, आगे मेरे को बढ़ना है, जिंदगी में गाड़ी मेरे को चाहिए, फॉरेन टूर मेरे को करनी है, मेरे परिवार को सुखी मेरे को करना है, तो काम करने कौन आएगा, अपलाइन ना, मैं, मेरा बिजनेस है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा। और दोस्तों काम शुरू किया, 2 से 3 महीने काम करता रहा करता रहा, समझ में नहीं आता था, करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, और 3 महीने के बाद में मेरा सबसे पहला चेक आया, और वो चेक आया आप यकीन मानिए मेरा सबसे पहला चेक आया, मैं खुशी के मारे पागल हो गया, राइट। और मेरा पहला चेक आया था 167 रुपीज का, 167 रुपए का, 3 महीने के बाद में पहला चेक 167 रुपए का, मैं खुशी के मारे पागल हो गया। मैंने घर पे फोन लगाया, मैंने कहा मम्मी आप तो खीर बनाओ, मम्मी ने क्या बोला, बोले क्या हुआ, मैंने कहा चेक आया, बोले कितने का, मैंने कहा मैं आके बताता हूँ। मैं घर पहुंचा, खीर बनी थी, हम सारे घर वाले खाने बैठे, पापा नहीं बैठे, बराबर है, क्योंकि पापा ने मुझसे बोला कि आज तो तू मेरा बेटा नहीं, पापा नहीं बैठे, हम खीर खा रहे थे, खीर खाते खाते मेरे पापा मेरी मम्मी ने मेरे से पूछा कि बेटा कितने का चेक आया, मैंने कहा 167 रुपए का। मेरी मम्मी बोले तू पागल हो गया है क्या, तेरा दिमाग खराब है, 200 रुपया खीर बनाने में खर्चा कर दिया और तू 167 का चेक लेके आया। मैंने मम्मी को बोला मम्मी खुशी मनाओ, लोग बोलते हैं इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, 167 आया मतलब पैसा आता है, अब तो सिर्फ 1600, अब 167 को 1670, 1670 को 16700, 16700 को 1,67,000 और 1,67,000 को 16,70,000 में बदलना है। मुझे एक बात बताइए आप लोग, चलो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए हमारे घर में कोई खुशखबरी आने वाली हो और डॉक्टर कंफर्म करता है कि शी इज प्रेग्नेंट, तो आप घर पे आके क्या बोलते हो, एश कोई खुशी नहीं मनाएगा, 9 महीने बाद बच्चा आएगा तभी मनाएंगे, ऐसा करते क्या,
नहीं, हम पहले दिन से, जिस दिन हमें ये बात का कंफर्मेशन मिलता है कि शी इज प्रेग्नेंट, राइट, हम लोग खुशी मनाने लगते हैं, हम उसका और ज्यादा ध्यान रखने लगते हैं, ये खा वो मत खा ये ऐसा, राइट, और बीच बीच में अगर उसको प्रसव पीड़ा होती है तो हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि देख चेक कीजिएगा सब कुछ बराबर तो है या नहीं, बच्चा आया नहीं है, किलकारी नहीं गूंजी है, पर वो 9 महीने बाद गूंजने वाली किलकारी आज सुनाई देती है क्योंकि वो कंफर्मेशन मिल चुका है। तो दोस्तों जिस दिन मुझे 167 का चेक आया, मुझे कंफर्मेशन मिल गया शी इज प्रेग्नेंट, आज बताते हुए प्राउड होता है कि पहला चेक आया था 167 का, मोदी केयर से हाईएस्ट चेक लिया है 6,42,842 रुपए का, 167 रुपए से लेके 6,42,859 रुपए का चेक पहुंचा। 5 साल हुए मोदी केयर में, 5 साल, 5.5 साल, करीब करीब 1,55,00,000 रुपया मैंने मोदी केयर से कमाया, जहां पे लोग मुझे समझाते थे कि इस धंधे में पैसा नहीं आता, ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं, इसमें कुछ नहीं मिलता, ये है वो है, मैं टिका रहा, मैं टिका रहा। और मेरा स्लोगन है, जो टिकेगा वो सीखेगा, जो टिकेगा वो सीखेगा, और जो सीखेगा वो जीतेगा, जो टिकेगा वो सीखेगा और जो सीखेगा वो जीतेगा। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, जो ऑपरेशन थिएटर में जो बच्चा पैदा होता है ना, जिसको पैदा हुए 2 मिनट नहीं होते, उसको भी भूख लगती है तो रोना पड़ता है, उसको भी भूख लगती है तो रोना पड़ता है। उस ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर ने उस 2 मिनट पहले पैदा हुए बच्चे को, उस 2 मिनट पहले पैदा हुए बच्चे को, राइट, कर्म करने से बाकी नहीं रखा, उसको मेहनत करने से बाकी नहीं रखा, उसको भी रोना पड़ा भूख लगी तो, तब जाके माँ को पता चला कि इसको भूख लग रही है। 2 मिनट पहले पैदा हुए बच्चे को अगर कर्म करने से बाकी नहीं रखा तो वो ईश्वर, वो परमात्मा क्या आपको और मेरे को बाकी रखेगा? आपको क्या लगता है बिना मेहनत करे अगर करोड़पति बन जाते और बिना ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में आके, बिना सीखे बिना करे अगर करोड़पति बनाया जा सकता तो हिंदुस्तान में 135 करोड़ में से 135 करोड़ लोग आज करोड़पति होते। वो नहीं है इसका कारण, है वो सीखना नहीं चाहते, और वो सीखते इसलिए नहीं है क्योंकि वो टिकते नहीं है, और जो टिकेगा नहीं वो सीखेगा नहीं, और जो सीखेगा नहीं वो जीतेगा नहीं। मैं टिका और मैंने सोचा लर्निंग करना, और मैं आप सारे लोगों को बोलता हूं, अगर आप लोग मोदी केयर में आ जाओगे तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, अगर आप लोग मोदी केयर में आ जाओगे तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, और आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ जाएगा। काटो तो मोदी केयर निकलना चाहिए, कोई कैसे बोल दे नेगेटिव यार इसके बारे में। 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए, 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था। जैसे आदमी के पास 2 किडनी होती है तो एक किडनी पे भी आदमी जिंदा रह सकता है ना, उस समय पे हमारे घर में 2 सिलेंडर थे, एक सिलेंडर बेच के 200 रुपए की साइकिल खरीदी थी। आज 22,00,000 रुपए की गाड़ी में घूम रहा हूं। पहली गाड़ी खरीदी 7.5 लाख की ग्रैंड आइटन, दूसरी गाड़ी खरीदी 12.5 लाख की एस्क्रोस, और आज तीसरी गाड़ी है मोदी केयर की तरफ से 22,00,000 रुपए की एमजी हेक्टर। और नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके पास आऊंगा, राइट है, जब सर मुझे इनवाइट करेंगे, राइट है, तो डेफिनेटली मैं प्राउडली ये कहूंगा कि आज मैं 2 करोड़ की जगवार चला रहा हूं। ये पावर है मोदी केयर का। पर बात वही आ जाती है, जो टिकेगा वो सीखेगा और जो सीखेगा वो जीतेगा। दोस्तों आगे बढ़ा, लोग रिजेक्ट, आप बोलते हैं ना मेरे पास लिस्ट नहीं है, राइट है, और अच्छा मैं होशियार पहले से बहुत था। अपलाइन का लिस्ट बनाओ, मैंने कहा नहीं बनाएंगे। अपलाइन का डेमोकेट बनाओ, मैंने कहा उसकी क्या जरूरत है। अपलाइन का मैजिक कॉर्नर बनाओ, नहीं बनाएंगे, राइट। और सर जब तक ये काम मैंने नहीं किया ना, जब तक मैं होशियार बना रहा, जब तक मैं अपना दिमाग लगाता रहा, तब तक मैंने पैसा नहीं कमाया। आपको पता है 3 महीने के बाद में 167 का चेक क्यों आया था? क्योंकि वो 3 महीने मेरे पास जितना दिमाग था ना, मैंने वो सारा लगा दिया। और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, बुद्धिमान आदमी हमेशा दुखी रहता है, समझदार आदमी हमेशा सुखी रहता है। मुझे एक बात बताओ, अकबर बुद्धिमान था या बिरबल? सारी दुनिया जानती है कि बिरबल में ज्यादा बुद्धि थी, बिरबल बुद्धिमान था, हाँ या ना? राजा कौन था? अकबर।
दोस्तों बुद्धि, मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि अगर आपका दिमाग, आपकी होशियारी, अगर आपका दिमाग और आपकी होशियारी आपका अकाउंट का बैलेंस बढ़ाने में काम नहीं आ रही ना, तो नजदीक की कोई नदी या नाला देख के उसे बहा दो, क्योंकि आज आप सुखी हो दुखी हो वो आपकी बुद्धि के कारण हो। ये दिमाग नहीं मानने को तैयार हो रहा। हमारे अल्पेश गज्जर सर ने एक मूल मंत्र दिया है, द माइंड कैन कंसीव यू कैन अचीव। अगर आपका दिमाग किसी बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है, बराबर है, तब जाके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और बुद्धि है ना, चाकू का काम करती है, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क। तर्क करना चाहिए, पर तर्क करने के पहले आप ये देख लो कि आप किस लिए तर्क कर रहे हो। मैंने देखा और मैंने स्टार्ट किया। सर 5.5 सालों के अंदर करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपया कमा चुका हूँ। 5.5 सालों के अंदर 3 गाड़ी ले चुका हूँ। 5.5 सालों के अंदर 8 से 10 फॉरेन टूर जा चुका हूँ। डोमेस्टिक टूर की तो बात छोड़ दो, राइट है। आज माँ बाप खुश है, मेरे परिवार खुश है मेरा। मेरा अपलाइन ने कहा बाद में कि अभी भी दिमाग लगाना है कि फॉलो करोगे सिस्टम। मैंने कहा सर आप तो, आप जो बोलोगे मैं वो फॉलो करने को तैयार हूँ। सर ने बोला लिस्ट बनाओ। मैंने कहा सर वो तो नहीं है, लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि जब मैंने मोदी कर बिजनेस स्टार्ट किया तब मेरे घर वालों ने और मेरे जो सोसाइटी वाले थे उन्होंने मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया। मैंने जैसे अलकायदा संगठन ज्वाइन कर लिया ना, ऐसी हालत थी मेरी। कोई रिश्तेदार सुनने को तैयार नहीं। जिस रिश्तेदार को डेमो बताने जाता था बोलता था तेरे घर में खाने के वादे, तू हमको बताएगा लाख कैसे कमाने के? कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई दोस्त नहीं। रोज, हर रोज, हर रोज एक आदमी, हर रोज कोई ना कोई आदमी मेरे घर पे मेरे पापा को आके बोलता था, बाबूलाल जी तुम्हारा लड़का किस धंधे में है देखो, तुम्हारा लड़का किस धंधे में है देखो। आज भी रोज मेरे घर पे एक आदमी आता है और बोलता है, बाबूलाल जी आपका लड़का किस धंधे में है देखो। दुनिया बदलती है, बदलने वाला चाहिए। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, करने वाला चाहिए, झुकता है आसमान झुकाने वाला चाहिए। और ये जो बिलीफ है ना, ये बिलीफ किसी दुकान पे नहीं मिलता, ये बिलीफ आपके अंदर है। आप एक बात मानिए कि आप आज आप सुखी हैं दुखी हैं, आप आज जो कुछ भी हैं वो आज की सिचुएशन नहीं है। पास्ट में आपने जो बीज बोए थे उसकी फसल आज आप काट रहे हैं, और आज आप जो बीज बोओगे इसकी फसल आप आने वाले समय में काटोगे। नहीं था आज तक दिमाग में कोई बात नहीं, आज तक सरेंडर नहीं थे कोई बात नहीं, आज तक कुछ भी नहीं था कोई बात नहीं, आज हो सकते ना। हमारे गुजराती में कहावत है, जागे त्याती सवार, जागो तब सवेरा। इस दुनिया में दो लोग थे, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन, और दूसरे थे श्री राम भगवान और हनुमान जी। श्री राम भगवान और हनुमान जी, जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा हे पार्थ उठाओ गांडीव चढ़ाओ तीर, अब तो युद्ध यही एकमात्र कल्याण है, तो अर्जुन ने बोला क्यों, चाचा है मेरे मामा है मेरे, कैसे कैसे लड़ूं युद्ध? और उनको समझाने समझाने में, बराबर है, आज ईश्वर ने स्वयं साक्षात परमात्मा ने, बराबर, आप सोच कर देखिए, अर्जुन जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था उस योद्धा ने भी हथियार रख दिए थे। तब जाके श्री कृष्ण भगवान ने उसे समझाया, उसे रणभूमि में नहीं जिताया, उसे युद्ध करने से पहले मन भूमि में जिताया कि हे अर्जुन तुझे युद्ध करना होगा। और सेम श्री कृष्ण भगवान ने उसे जिताया। उसके बाद में श्री रामचंद्र जी भगवान ने यू बोला हनुमान जी से कि हनुमान जी जाओ ये अंगूठी दे के आओ, तो बोले जय श्री राम। हनुमान जी ने नहीं बोला कि आपकी वाइफ है आप जाइए, मैं क्यों जाऊं, रावण कितना खतरनाक है पकड़ लिया तो। हनुमान जी, माता सीता जब सिंदूर लगा रही थी अपने मांग में, हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने बोला हे माता ये आप क्या कर रही है? बोले इससे आपके प्रभु की उम्र बढ़ जाएगी। हनुमान जी पूरे शरीर पे पोत के दरबार में आ गए, पूरा दरबार हंसा उन पे कि ये क्या कर रहे हो, पूरा दरबार ऐसा था, राइट। आज आप हर शनिवार को आप और मैं हनुमान जी को सिंदूर लगाने जाते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति अपने प्रभु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति 100% समर्पित हो जाता है वो मय हो जाता है, बराबर। तो ये कायनात भी उसे वो देती है जो उसको। अर्जुन ने दिमाग लगाया, उसका मंदिर मंदिर नहीं है। हनुमान जी ने दिमाग नहीं लगाया, उनका जगह जगह मंदिर है। आप सोच कर देखिए, ये ताकत है विश्वास की, ये ताकत है बिलीफ की। मीराबाई, मीराबाई ने उठाया जहर का प्याला ही था,
मीराबाई ने उठाया जहर का प्याला ही था, पर उसके विश्वास ने, उसके बिलीफ ने उसे अमृत में बदल दिया। और हमारा बिलीफ सिस्टम बार बार में डगमगाता है, हमारा बिलीफ सिस्टम बार बार में हिलता है, हमें ये लगता है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मेरे पास तो कॉन्टेक्ट खत्म हो गए, मेरे को तो कोई जानता नहीं, मैं तो स्टक हो गया, ये हो गया वो हो गया, हजारों बहाने बनाते हैं और उस विश्वास को बिला, उस बिलीफ सिस्टम को बार बार में हिलाते हैं और फिर अपने आप से रात को सोते हुए पूछते मैं कर पाऊंगा क्या, मैं कर पाऊंगा क्या। दोस्त बिलीफ सिस्टम कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ, बिलीफ सिस्टम से ही आप वो सारी बैरियर, वो सारी तकलीफों को तोड़ सकते हैं जिन्होंने आज तक आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रखा है। Nobody is responsible for your failure or your success. You are the only person in this world who are responsible for your failure or your success. एक अम्मा जी थी, 70-80 साल की अम्मा जी, क्या करती है, पूजा पाठ करती थी। अचानक उस गांव में एक दिन एक महात्मा आए, महात्मा आए और उन्होंने अम्मा जी को देखा, अम्मा जी ने उन महात्मा को देखा, अम्मा जी ने उनके चरणों में गिर गई और उनको गुरु बना लिया, क्या आज से आप मेरे गुरु हो। अम्मा जी ने बोला कि गुरु जी ने बोला ठीक है। थोड़े दिन ऐसा चलता रहा, अम्मा जी उनकी सेवा पूजा करती रही। अचानक एक दिन गुरु जी ने कहा कि मेरा जाने का समय आ गया है, अब मेरा जाने का समय आ गया, मैं जाऊंगा। अम्मा जी ने जिद की कि नहीं, मैंने आपको गुरु बनाया है, मैं आपके साथ आऊंगी। सारे गाँव वालों ने समझा, अम्मा जी नहीं मानी, गुरु जी ने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी, पंचायत जुड़ी और पंचायत में यह फैसला हुआ कि अम्मा जी गुरु जी के साथ जाएगी। जब जाने का समय आया तो अम्मा जी ने कुछ पोटली बना ली, कुछ पैसे कुछ गहने ले लिए और उनके साथ जाने लगी। अब गुरु जी को पता चल गया कि इसके पास जो है पैसे और गहने हैं। अब गुरु जी सोच रहे थे कैसे पैसे और गहने ले लूं और कैसे मैं इससे छुटकारा पा लूं। एक जंगल से जाते हुए कुआं आता है और कुएं में गुरु जी बोलते हैं कि जाइए अम्मा जी, आप कुएं में से पानी भर लाइए। जैसे ही अम्मा जी कुएं में पानी भरने गई, वो गुरु जी ने उनको पीछे से धक्का मार दिया, क्योंकि कुएं में पानी कम था तो अम्मा जी बच गई, कुएं में पानी कम था तो अम्मा जी बच गई। अम्मा जी सोच रही है कुएं में पड़ी पड़ी कि लगता है लुटेरे आ गए, उन्होंने मेरा पैसा लूट लिया, गुरु जी को मार दिया और चले गए। गुरु जी ऊपर सोच रहा है आज बला छूटी। और ये सारी की सारी घटना वो परम पिता परमेश्वर देख रहा था। वो एक बकरी वाले का रूप लेकर नीचे आया, उसने अम्मा गुरु जी को पकड़ के बांध दिया, अम्मा जी को बाहर निकाला। जैसे ही अम्मा जी बाहर आई, मेरे गुरु जी कहाँ है, मेरे गुरु जी कहाँ है, अम्मा उन्होंने जो बकरी वाला था उसने बोला कि ये तेरा कोई गुरु गुरु नहीं है, मैंने देखा इसने तुझे धक्का मारा। अरे बोले तू झूठा है, ये मेरा गुरु है, मैंने इसको गुरु बनाया। बोले ये तेरा कोई गुरु गुरु नहीं है, मैंने देखा इसने तुझे धक्का मारा। अरे बोले तू झूठा है, झूठा, मैंने इसको गुरु बनाया है और यही मेरा गुरु है। बराबर है, तो भगवान साक्षात रूप में आते हैं कि देख मैं ईश्वर, मैं परमात्मा और मैं कहता हूं कि ये तेरा कोई गुरु गुरु नहीं है। तो अम्मा जी क्या कहती है बताए आपको, कि तू ईश्वर है, तू परमात्मा है, फिर भी ये आदमी मेरा गुरु है, मैंने पूरी जिंदगी तेरे लिए पूजा की, तेरी सेवा की, कभी तूने दर्शन नहीं दिए, आज इसकी वजह से तू दर्शन देने तो आया, आज इसकी वजह से तू दर्शन देने तो आया। दैट इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम, दैट इज कॉल्ड विश्वास। और यही विश्वास की नींव पे आप अपने सपनों का महल बनाते हैं और आपने हमेशा से अपने विश्वास को, अपने नींव को लोगों के हाथ में दे रखा है। मतलब चार उच्छे तुच्छे लोग मिलके ये डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा बच्चा मर्सिडीज में बैठेगा या नहीं, वो कौन से स्कूल में पढ़ेगा, ये चार लोग डिसाइड करेंगे। तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे कैसा खाना खाएंगे, चार लोग डिसाइड करेंगे। अरे हट, अगर ये ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है तो मेरे में सामर्थ्य है कि मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने जिंदगी को अपने दम पे जीऊंगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब। दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। मोदी केयर अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट देता है, इसकी गारंटी दे सकता हूं मैं आपको। मोदी केयर में लोग पैसा कमा रहे, इस बात की गारंटी दे सकता हूं मैं आपको। मोदी केयर समीर मोदी जी का विजन मिशन बड़ा है, इस बात की गारंटी दे सकता हूं मैं आपको। पर आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसकी गारंटी इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी दे सकता है और वो है आप खुद। किस बात का मोटिवेशन, अरे कौन से हमने ऐसे वो कर रखे हैं जिसके लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। खाना खाने के लिए कोई मोटिवेट करने आता है क्या, सोने के लिए कोई मोटिवेट करने आता है क्या? अरे भाई साहब आप 3 दिन से सोए नहीं हो, एक काम करो पहले आप सो लो। काम करने के लिए कोई मोटिवेशन,
मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि भूख मुझे लग रही है, थाली मेरे सामने पड़ी है, पर किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि तुम खाना खा लो, तो मैं खाना क्यों खाऊं? सर बिजनेस मेरा है, पैसा मेरे को कमाना है, जिंदगी में आगे मेरे को बढ़ना है। अरे कोई आए तो ठीक और कोई नहीं आए तो ठीक, मैं करूंगा। थैंक यू भगवान मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू भगवान ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। अरे पैसा मेरे को कमाना है, सारी चीजें मेरे को करनी है, और मैं डिपेंड किसी और पे रहूं? ऐसे सफलता मिलेगी? और दोस्त अगर ऐसी सफलता मिलती ना तो दुनिया के 135 करोड़ लोग जो है ना हिंदुस्तान में, वो सारे सफल हो गए होते। ऐसे नहीं दोस्त, तपना पड़ता है। और किस बात का मोटिवेशन, किस बात का? मैं हमेशा कहता हूं कि इतना संघर्ष तो कर ले मेरे भाई, इतना संघर्ष तो कर ले मेरे भाई कि अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए पड़ोसी के एग्जाम्पल ना देने पड़े, अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए पड़ोसी के एग्जाम्पल ना देने पड़े। इतना तो कर लो, और इतना भी नहीं हो सकता ना सर तो हम हकदार नहीं है मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियों के सपने देखने के लिए। और बात मर्सिडीज की नहीं है, बात बड़े बंगले की नहीं है, बात है अपने जमीर से बात करने की। कैसा क्या दिया है ऊपर वाले ने उन लोगों को जिनके घर में, जिनके पास आज मर्सिडीज जगुआर बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, बड़े बंगले हैं, उनके बड़े बड़े बच्चे, उनके बच्चे बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी लाइफ स्टाइल जीते हैं। ऐसा क्या खास दिया है उनको? कुछ नहीं, वही दिया है जो मुझे दिया है, वही दिया है जो उनके पास है। बस फर्क इतना है कि उन्होंने जब दुनिया हार मानने को बोलती रही कि तू हार मान ले, तू हार मान ले, तुझसे नहीं होगा, तू हार मान ले, तू हार मान ले, तब उन्होंने अंदर से एक आवाज आती थी कि नहीं और, नहीं और कदम बढ़ा, नहीं और कदम बढ़ा, नहीं और कदम बढ़ा। और ये आवाज आती थी अंदर से। क्या ऐसी आवाज आपको आ रही है? ऐसी आवाज आ रही है? मैंने कहा पहले भी, मैं अभी फिर से कहता हूं, आप लोग अगर मोदी केयर में आ जाओगे तो आप पैसा नहीं कमा सकते, और आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ जाए, जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ जाए, मोदी केयर आपके अंदर। दोस्तों यही चीजों को लेकर मैं पिछले 5.5 साल से इसी माइंडसेट के साथ वर्क कर रहा हूं। आज बताते हुए प्राउड होता है, दो लोग नहीं जानते थे मुझे, दो लोग, आज पूरे हिंदुस्तान में, जैसा मुनीश सर ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में आज पहचान बनी है मोदी केयर के कारण। मेरे माँ बाप खुश हैं मोदी केयर के कारण, मेरा परिवार खिलखिलाता है मोदी केयर के कारण। पहले हमारे घर में रोज झगड़े होते थे पैसे को लेकर, किसी के चेहरे पर स्माइल नहीं रहती थी, पर दोस्त पूरी जिंदगी कोलगेट घिसी, कभी चेहरे पर स्माइल नहीं आई। जिस दिन से फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट घिसना शुरू किया, मेरे पूरे परिवार के चेहरे पर स्माइल आ गई। इतना गजब का टूथपेस्ट है। जिस दिन से हमारे घर में स्टेरिक क्लीन यूज होना शुरू हुआ है, हमारे घर के गरीबी के सारे कीटाणु मर गए। इतना गजब का फ्लोर क्लीनर है। जिस दिन से हमने व्हाइट पल्स ऑफ यूज किया है मेरे दोस्त, हमारा फ्यूचर ब्राइट हो गया। इतना गजब का साबुन है। जिस दिन से मोदी केयर का डीओ लगाना शुरू किया है, जीवन में खुशबू ही खुशबू हो गई। इतना गजब का डीओ है। दोस्त यही चीजें हैं जो आपको आगे लेकर जाएंगी। प्राउड करना है, गर्व करना है, और मुझे गर्व है कि मैं मोदी कैरियर, यस मैं प्राउड करता हूं कि मैं मोदी कह रहा हूं। क्या आप गर्व करते हो? आपको क्या लगता है मेरे को लोग आके आगे से फॉर्म देके गए ऐसा, चलो मेरी आईडी लगा दो, कर दो? दो लोग नहीं जानते थे सर, दो लोग। आज पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 1 लाख लोगों से ज्यादा की टीम है। दो लोग, दो पड़ोसी, गली के दो पड़ोसी जुटने को तैयार नहीं थे, आज 16 स्टेट के अंदर टीम है, 16 स्टेट में। पर विश्वास था, बिलीफ था। आपको एक किस्सा सुनाता हूं मैं। एक डॉक्टर थे हमारे यहाँ, डॉक्टर हैं, जैसे आपके डॉक्टर सक्ति जी जैसे हैं, वैसे ही डॉक्टर हैं वो। 150 बेड का हॉस्पिटल है उनका। तो उनकी वाइफ को मैं डेमो बता के आया, तो उनकी वाइफ ने कहा कि विजय भैया मैं आपको शाम को बता देती हूँ उनसे बात करके। मैंने कहा ठीक है। शाम को मैंने फोन किया कि मैम आपने क्या सोचा? तो बोले सर बाकी सब तो ठीक है, पर मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले वो डॉक्टर हैं, 150 बेड का हॉस्पिटल, उनका मास्टर सर्जन डॉक्टर है, वो मना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं ऐसा उल्लू बनाने के बिजनेस नहीं करने के। अब मुझे
ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने मेरी माँ को गाली दी हो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैम आप ये बिजनेस करें चाहे नहीं करें, पर मुझे आपके हस्बैंड से मिलना है। उन्होंने बोला नहीं, हमारे हस्बैंड तो बहुत खतरनाक है, वो बहुत गुस्से वाले हैं, आप जैसे मार्केटिंग वालों से वो मिलते नहीं है। मैंने कहा मैडम वो मुझे देखते ही गोली मार देंगे ना तो चलेगा, पर मैं उनसे मिलूंगा। रात को 11:30 बजे का उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट ओपीडी के बाद का टाइम दिया। मैं पहुंचा, जैसे ही मैं पहुंचा वो मेरे सामने बैठे और जैसे ही उनकी वाइफ ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि विजय भैया विजय भाई करके, राइट है, आप यकीन मानो उनको जितनी आती थी ना उन्होंने 15-20 मिनट तक सुना 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 करी 15-20 मिनट तक वो सुनाते रहे मुझे, तुम बेवकूफ बनाने के काम करते हो, इसमें कुछ नहीं मिलता, तुम भी छोड़ दो, ये है वो है, हम क्या पढ़े लिखे घास थोड़ी चल रहे हैं, हम डॉक्टर हैं, हम ये हैं, ऐसा होता तो पूरी दुनिया ही पैसे वाली नहीं हो जाती, ये वो 15 मिनट तक वो सुना सुना करी। और आखिरी में उन्होंने बोला कि ये उल्लू बनाने का बिजनेस है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा सर आपने, उल्लू बनाने का बिजनेस है। और सर आज आपने मेरी आंखें खोल दी, अगर आप मुझे मौका दे तो मैं 2-3 बातें आपसे पूछ लूं। तो बोला पूछो। मैंने कहा सर आप नहाते हो? तो बोले हाँ नहाता हूँ। मैंने कहा आपके घर पे फ्लोर क्लीनर यूज होता है? बोले हाँ मेरे घर पे फ्लोर क्लीनर यूज होता है। मैंने कहा सर आप टूथपेस्ट करते हो? बोले हाँ विजय मैं टूथपेस्ट करता हूँ। मैंने कहा आपको सालों से कोई उल्लू बना रहा है? तो बोले उसमें कैसा उल्लू बनना, मैं पैसा देता हूँ और प्रोडक्ट मिल जाती है। मैंने कहा एग्जैक्टली सर मैं भी उल्लू नहीं बनाता, मैं भी प्रोडक्ट पैसे के सामने 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी की प्रोडक्ट देता हूँ और इस बात की छाती ठोक के गारंटी देता हूँ कि अगर प्रोडक्ट नहीं पसंद आई तो थोड़ी हुई प्रोडक्ट वापस दे देना। आज वो व्यक्ति मेरी टीम में प्लेटिनम डायरेक्टर हैं। पर वो क्यों है पता है? अंदर से बिलीव था, गाड़ी नहीं ली थी, लाखों का चेक नहीं था उस समय मेरे पास, अपलाइन का चेक भी लाखों का बताने वाला नहीं था, पर बिलीव था कि अगर एक आदमी ने भी इस बिजनेस से लाख रुपया कमाया है विजय अग्रवाल तो तू कमा लेगा। अरे सर क्या कीमत चुकाने की बात करते हो और किस नेगेटिविटी और किस माहौल की बात करते हो आप? मेरे पापा ने 1.5 साल तक बात नहीं की मुझसे इस बिजनेस को लेकर, 1.5 साल तक बात नहीं की उन्होंने। सोच कर देखो आप, मैं खाने बैठा हूं तो वो खाने नहीं बैठा और वो खाने बैठा तो मैं खाने नहीं बैठा। मैं सुबह 8-9 बजे घर से निकल जाता था, रात को 2-2, 3-3 बजे घर पे आता था। सोच कर देखिए, और किस नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं सर आप? कौन है नेगेटिव करने वाला? आप नेगेटिव है तो आपको कोई नेगेटिव करेगा, अगर आप नेगेटिव नहीं है तो आपको इस दुनिया की कोई ताकत नेगेटिव नहीं कर सकती। आप अगर अंदर से हार चुके हैं तो बाहर की दुनिया में आप हार चुके हैं, और आप अंदर से जीत चुके हैं तो सौगंध भवानी की इस दुनिया में कोई भी आदमी आपको बाहर से हरा नहीं सकता। आप पंजाब से हैं सारे, सर धरती का सीना फाड़ के अनाज निकालना बराबर है, उसमें से फल निकालना ये आपकी कला है, आपको क्या कोई मोटिवेट और डीमोटिवेट करेगा सर? क्या करेगा? आप तो फार्मर हैं, आप तो किसान हैं, आपका तो एटीट्यूड में ही है कि बीज बोने के बाद में वेट करना, अपने आखिरी सांस तक उसके लिए काम करना, रोज हल चलाने जाना, उस बीज की देखभाल करना, राइट है, उसे कोई खा नहीं जाए उसका ध्यान रखना, ये तो आपके ब्लड में है सर, आपको क्या कोई मोटिवेट करेगा? एक पेशेंस है आपके पास और यही है सफलता की कुंजी, यही है सफलता की सबसे बड़ी एग्जाम्पल, और यही है और सफलता के ऊपर विजय अग्रवाल का, मुनीश सर का, सुरेखा भार्गव मैडम का किसी का थप्पा नहीं लगा। जिस व्यक्ति ने पूरे बिलीफ सिस्टम के साथ में अगर इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, इस सिस्टम के प्रति सरेंडर हुआ, उसने अपने अपलाइन की कही गई हर बात मानी, उसने हर तरीके से अगर अपने अपलाइन द्वारा कहे गए हर शब्द को शत प्रतिशत अगर यूटिलाइज किया, राइट है, तो उसको सफल होने से इस दुनिया में और कोई नहीं रोक सकता। आखिरी में एक ही बात कहूंगा, अगर बच्चा अपने माँ बाप पे कभी डाउट नहीं करता कि वो मेरा कभी बुरा कर सकते हैं, एक बच्चा जिसको किसी के माँ बाप ने जन्म दिया वो बच्चा कभी अपने माँ बाप पे डाउट नहीं करता, उसी तरीके से आप अपने अपलाइन पे बिना डाउट किए उस पे पूरा विश्वास किए बराबर है उसके ऊपर विश्वास करके लग जाओ। सौगंध से बोल रहा हूं, आप नहीं आपकी 7 पीढ़ियों को पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ये वादा है मेरा। मुझे एक बात बताइए, आप सारे लोगों को अपने पापा का नाम याद होगा, सबको याद है उनके पापा का नाम, दादाजी का नाम याद होगा, पापा पापा के पापा के पापा का नाम 70% लोगों को याद होगा, पापा के पापा के पापा के पापा का नाम 40% लोगों को याद होगा,
पर मैं गारंटी देता हूं पांचवी और छठी पीढ़ी का नाम एक भी आदमी को याद नहीं होगा। पर धीरूभाई अंबानी की हजारवीं पीढ़ी भी आएगी ना, वो उसके बड़े से फोटो को दिखाकर बोलेगी कि ये हमारे दादाजी धीरूभाई जिन्होंने रिलायंस खड़ी की थी और जिनकी वजह से आज हम ये जिंदगी जी पा रहे हैं। दोस्त, इससे बड़ा अभिशाप और क्या हो सकता है कि हमारी पीढ़ियां, हमारे वंशज हमें नहीं जाने। आज महाराजा रंजीत सिंह जी को हम इसलिए नहीं जानते कि वो राजा थे, उनके कर्म उनके काम ऐसे थे कि आज पूरे विश्व में जहां जहां हम बसते हैं हम प्राउडली उनका नाम लेते हैं और गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब हम महाराज रंजीत सिंह जी का नाम लेते हैं, हम महाराज गुरु गोविंद जी सिंह का नाम लेते हैं तब हमारा, क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए। दोस्त, एक ही टारगेट है अपने जीवन में कि कुछ तो ऐसा करके जाऊंगा, कुछ तो इतना बड़ा करके जाऊंगा कि मेरी हजार भी पीढ़ी भी आएगी ना, वो मेरे बड़े से फोटो को दिखाकर बोलेगी कि ये तुम्हारे दादाजी जिन्होंने मोदी केयर चालू किया था और आज इनकी वजह से तुम आईलैंड और हेलीकॉप्टर में घूमने की जिंदगी जी रहे हो ना, ये है वो, राइट है। और दोस्त, इसी टारगेट को लेकर, इसी जज्बे को लेकर, इसी सिद्धांत को लेकर मोदी केयर कर रहा हूं, राइट, और आत्मा से मोदी केयर कर रहा हूँ, पूरे प्राणों से मोदी केयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं मोदी केयर में नहीं आया, मोदी केयर मेरे में आके काम कर रहा है, इसी भावना के साथ काम कर रहा हूँ। और आखिरी में एक बात बोल के अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा मैं कि फूल तो खिलते हैं इस चमन में, शर्त यह है कि बीज को दफन होना होगा। फूल तो खिलते हैं इस चमन में, तो यह है कि बीज को दफन होना होगा। मैं दफन होने के लिए तैयार हूं अगर इस चमन में अगर फूल खिलने को तैयार है। तकलीफ की बात यह है कि सरदार शहीद भगत सिंह सबको चाहिए, पर पड़ोसी के घर में, अरे दोस्त अपने घर में होना चाहिए, तब जाके आजादी आती है, तब जाके इंकलाब आता है। लोग बोलते हैं मेरे अकेले के सोचने से क्या होगा, अरे तूने तेरी जिंदगी तो बदलने का निर्णय लिया, लोगों की अपना बदल जाएगी। दोस्त, बस इसी चीजों को लेकर मैं विजय अग्रवाल पिछले 5.5 साल से काम कर रहा हूं। कोई बड़ी चीज नहीं करी सर, क्या कमाया क्या नहीं कमाया छोड़ दो, कितनी गाड़ी ली छोड़ दो, कितना पैसा कमाया छोड़ दो, कितनी फॉरेन ट्रिप कमाई छोड़ दो, ये सोचो कि एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का आज सूट बूट में यहाँ तक पहुंच गया, क्या ये कम है? दोस्त, यही सारी चीजों के लिए पिछले 5.5 साल से काम कर रहा हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच मुनीश सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शक्ति सर एंड सरोज मैम, थैंक यू वेरी मच विवेक जी एंड मोना मैम, गुरुमल सिंह जी एंड निधि जी, थैंक यू वेरी मच मनदीप जी मैम, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच।